खांसी जुखाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। एक ही खुराक में आपका जुखाम हो खांसी हो बिल्कुल जड़ से छूमंतर हो जाएगी, आप इसे आजमा कर देख सकते हो। तो सबसे पहले तो हम इसकी सामग्री देख लेते हैं, हम इनको किन चीज़ों के साथ में बनाकर तैयार करेंगे। सामग्री जो होगी बिल्कुल सिंपल होगी, जो आपके घर में हमेशा मौजूद रहती है, वो है लौंग। दोस्तों लौंग सभी के घर में आसानी से मिलने वाली चीज़ है, और साथ के साथ जिनको भी खांसी जुखाम या कफ की समस्या है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सी होती है, इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत सारे नुस्खों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना औषधीय गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। दोस्तों ये आपकी खांसी जुखाम और जो कफ की समस्या होती है चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो उससे भी जड़ से छुटकारा दिलाती है। और आजकल का जो मौसम है ना, बदलता मौसम, जैसे अभी बरसात का मौसम था, सीलन भरा, अभी सर्दियां शुरू हो जाएंगी, तो इस मौसम में जो है ना सभी को खांसी और जुखाम बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये ऐसा उपाय है कि आप इसे आजमा कर बिना दवाई के एकदम जड़ से ठीक हो सकते हो। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लौंग ली है दोस्तों, वो किस तरीके की लौंग आपको लेनी है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं लौंग जो होती है ना इसके ऊपर एक फूल सा होता है गोल गोल, तो ये सर्दी जुकाम खांसी और कफ की जो समस्या होती है ना उसको दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। दोस्तों अगर बाकी के किसी चीज़ के लिए आप लौंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना फूल वाली भी कर सकते हो, लेकिन सर्दी जुकाम खांसी और कफ के लिए आप करते हैं तो आपको लौंग जो है वो फूल वाली लेनी है। यहाँ पे मैंने पीछे डिफरेंस दिखा दिया है। तो इस तरह की लौंग ले लेना आप, एक दो चम्मच लौंग लेकर उसको आप हल्का सा कढ़ाई में डालना और उसको सेक लेना, तवे पे सेक लेना, नहीं तो क्योंकि एक तो लौंग से क्या है इसे आप अच्छे से बना नहीं पाएंगे, एक दो चम्मच से बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगी। और पूरी सर्दियों में ये जो पाउडर होता है इसका ये काम आता रहता है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसे पीस कर किसी जार में भर के रख लेना, सेकने के बाद में पहले इसको ठंडी होने देना और फिर इसे पीसना, पीसने के बाद में छान कर ये आपको रख लेना है और फिर रोजाना आपको बताए गए तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लौंग जब भी आप लेकर आएँ दोस्तों तो अच्छी दुकान से लेकर आएँ, बढ़िया होनी चाहिए, एकदम बारीक बारीक छोटी छोटी लौंग आती हैं वो आपको नहीं लेनी है, ठीक ठाक लौंग होनी चाहिए साफ़ सुथरी, और फिर इसको बीन लेना और उसके बाद में ही आपको आगे का जो प्रोसेस है वो कर लेना है। अगली चीज़ नुस्खों से आप भरपूर फ़ायदा लेने के लिए दोस्तों, कभी भी आपको यहाँ पे लौंग का जो पाउडर आता है रेडीमेड उसका इस्तेमाल नहीं करना है, आप इस पाउडर को घर में ही बनाकर इस्तेमाल करना, तो आपको नुस्खे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अगर चीज़ें प्योर होती हैं ना तो नुस्खे भी आपको अच्छे से फ़ायदा करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आप लौंग का पाउडर बनाएं तो एक से दो चम्मच लौंग का ही पाउडर बनाएं। आप सोचे 50-100 ग्राम का बनाकर एक साथ रख ले, नहीं, धीरे धीरे क्या होता है इनके अंदर के जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो कम होते चले जाते हैं पाउडर बनाने के बाद में, तो आप थोड़ा सा ही बनाएं और उसको यूज करें, फिर दोबारा लगे तो आप दोबारा बना सकते हो इस तरीके से। अगली जो चीज़ आप इसके साथ में लेंगे, एक तो हो गया हमारा लौंग का पाउडर घर में बना हुआ तैयार, दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे वो लिया है हमने शहद। दोस्तों जैसे मैंने लौंग का बताया है कि अच्छी और प्योर होनी ज़रूरी होती है चीज़ें, इसी तरीके से जो आप शहद इस्तेमाल करेंगे ना वो भी प्योर होना चाहिए। आजकल अच्छे ब्रांड के शहद मिल जाते हैं प्योर, और अगर किसी को जैसे घर में तुड़वा कर रखते हैं छत्ते वगैरह, तो अगर वो शहद मिल जाता है तो सबसे ही बेस्ट होता है, छोटी मधुमक्खी वाला देसी शहद बोलते हैं वो बेस्ट होता है नुस्खों के लिए। लेकिन आजकल बाजार में जो है ना जो बड़ी मधुमक्खी आती है ना उनका जो है शहद ज़्यादा मिलता है दोस्तों, जिसको पहाड़ी मधुमक्खी भी बोलते हैं उनका शहद ज़्यादा मिलता है, इसकी बजाय अगर देसी मिलता है तो सबसे बेस्ट होता है, नहीं तो आप प्योर शहद बड़ी मक्खी वाला भी ले सकते हो और फिर उसका इस्तेमाल करना। रोजाना आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे शहद लेना है, एक चम्मच शहद एक बार में लेना आप, और बाद में आपको दो चुटकी इसके अंदर लौंग का पाउडर डालना है, और ये नुस्खा आप दिन में 2 से 3 बार करेंगे, एक ही दिन में आपको पूरा पूरा फायदा नज़र आने लगेगा। आप चाहें तो नुस्खा बंद कर सकते हो, अगर आपको लगे हल्की फुल्की कसर है तो आप 1-2 दिन 3 दिन तक लगातार इस नुस्खे को कर लेना, पूरा कफ भी बार हो जाता है और सर्दी और जुखाम से भी तुरंत छुटकारा मिलता है। दोस्तों आप जुखाम में तो एक खुराक में ही इसका पूरा फायदा आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन आप दोबारा दोबारा इसे भी जो है इस समस्या से परेशान ना हो इसलिए आप इसे 2-3 दिन लगातार कर लेना। अगला जो इसमें नुस्खा मैं बता रही हूँ इसमें आपको क्या करना है,
दूसरा आपको एक उपाय और करना है, जिनको भी खांसी जुकाम या गले में इन्फेक्शन वगैरह कफ वगैरह की शिकायत है, तो उनको क्या करना है दोस्तों, उनको लेना है आधा गिलास पानी, अच्छे से गर्म करके लेना, थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, और पानी के अंदर आपको थोड़ा सा आधा चम्मच एक चम्मच नमक ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करना, और ये जो नुस्खा है ना, इस नुस्खे का आपको दिन में 3 बार जो है प्रयोग करना होगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपके गले का इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम में जल्दी राहत मिलेगी। नमक डालकर आपको गुनगुने पानी के साथ में दिन में 3 बार गार्गल करनी है। इस पानी को क्या करना, मुंह में डालना और मुंह को ऊपर की तरफ करना हल्का सा उठाकर, और ये जो पानी है ना ये गले में जाना चाहिए अच्छे से दोस्तों। और इसके साथ जब आपका ये गार्गल हो जाएगा, लास्ट में जो थोड़ा सा पानी बचेगा 2-3 चम्मच, उसको आप पी भी सकते हो, जिससे कि अंदर श्वास नली में भी जो कफ वगैरह सांस लेने की दिक्कत होती है, जुकाम से इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी आपको तुरंत फायदा मिलेगा। आप ये जो नुस्खे मैंने बताए हैं ना दोनों दोस्तों, 3 दिन करना लगातार, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहली खुराक में ही फायदा जो है नज़र आने लगेगा, लेकिन बीच में नहीं छोड़ना, अच्छी तरह ठीक होने के लिए 2-3 दिन आप इन्हें आजमा लेना। इनके साथ साथ दोनों नुस्खे तो आपको करने ही है, एक गार्गल एक खाने वाला, इसके साथ साथ आपको एक ध्यान और रखना है। जैसे आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, इस तरह की समस्या अभी आ रही है, तो आपको ठंडी चीज़ों के परहेज रखने हैं। जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाते हैं, या फिर ठंडी तासीर वाली चीज़ें जो होती हैं वो खाते हैं, उनके परहेज रखना। और दिन भर में आप जो भी पानी पीते हैं ना, उसको कोशिश करें आप हल्का सा गुनगुना पीने की। अगर आप काम के कारण बाहर जाते हैं तो घर से एक थर्मोस वगैरह भरवा कर ले जा सकते हो आप, जिससे कि आप जब भी पानी पीते हैं तो थोड़ा सा पानी उसके अंदर गुनगुना मिक्स करें और फिर हल्का सा गर्म पीते। इससे क्या होता है, जो सर्दी जुकाम की समस्या अभी हो रही है ना दोस्तों, वो आगे चल के क्या है, कफ जमा कर देती है आपकी चेस्ट में, और दवाइयों से कफ सूख जाता है, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी करता है आपको, बार बार जो है वो बीमार करता है। तो अगर आप इस टाइम पे ठंडी चीज़ों के परहेज रखेंगे, ठंडी तासीर वाली चीज़ों के परहेज रखेंगे और गुनगुना पानी पियेंगे ना, तो सर्दी जुकाम भी जल्दी ठीक होगा आपका। और दूसरा आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि सर्दी जुकाम ठीक होने के बाद में जो बार बार आपको कफ परेशान करता है ना, अंदर लंग्स में, छाती में, फेफड़ों में जम जाता है, वो समस्या आपको नहीं आती है, पूरा कफ भी साथ साथ जो है साफ हो जाता है दोस्तों। इस तरह का बेहतरीन नुस्खा है, आप आजमाएंगे तो आप खुद समझ पाएंगे। अगर किसी को लगता है खांसी बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो 7 दिन तक भी आप इस नुस्खे को कर सकते हो, और जो अभी अभी किसी को हुई है तो वो तो आपकी 3 दिन में एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी, बिना एक भी पैसे की दवाई खाई दोस्तों। ये थे हमारे आज के नुस्खे दोस्तों, अगर किसी को ज़रूरत है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इन छोटे छोटे नुस्खों से सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है और बिना पैसा खर्च किए हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।